मैंने पूरे 15 और बिल्कुल मतलब ये था उन पे कॉन्फिडेंस था। हाँ बिल्कुल सेफ, बिल्कुल इजी था, सिंपल था। बी मेरा एक्चुअली ढंग से हो नहीं पाया, उतना टाइम नहीं बचा बी करने के लिए। मैं क्या सेक्शन ए का मुझे इतना नहीं पता। सेक्शन बी का, सेक्शन बी ठीक था। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आ चुके हैं NTA एग्जाम सेंटर पर, और आज जो है मैथमेटिकल साइंस का पेपर था, और यहाँ पर जो है आज आप लोगों को सारे जो है मैथमेटिशियन दिखेंगे, और मैथमेटिक्स के जो भी दिग्गज है, जो MSc किए हुए हैं या फिर PhD कर रहा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर, वो लोग आज रिव्यू देंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पेपर कैसे गया? क्या नाम है? रिया। कहाँ से आई थी आप? मैं सोनीपत से। करेंटली आप स्टडी कर रही हो या जॉब कर रही हो? मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरा रहता है मतलब एक सेमेस्टर अभी रहता है। मैथमेटिकल साइंस का अभी पेपर हुआ है, तो कैसा रहा आपका CSIR? अच्छा रहा, पार्ट ए बहुत आसान था कंपैरेटिवली पिछले सालों से, पार्ट सी थोड़ा बहुत लेंथी था, लेकिन ये था मेरा पूरा अटेम्प्ट हो गया। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 करने होते हैं, आपने कितने किए? मैंने पूरे 15 और बिल्कुल मतलब ये था उन पे कॉन्फिडेंस था। हाँ बिल्कुल से, बिल्कुल इजी था, सिंपल था बिल्कुल। अच्छा। पार्ट ए तो पार्ट सी में था थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, पार्ट बी भी सही था, उसमें ये था कि हमें जितनी ज्यादा मेमोरी हमारी मतलब ये होगा कि पॉइंट्स वगैरह याद होंगे उतनी जल्दी अटेम्प्ट होगा, मोस्टली ऐसा ही था पेपर। पार्ट बी क्या बताइए, पार्ट बी में कैसा आ रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस नॉर्मल है, पार्ट बी में ज्यादा सॉल्व करने का नहीं है, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें थ्योरम से वो अप्लाई करनी है। पार्ट सी में है कि हमें वो क्या कहते हैं रिजल्ट निकालना है, तो थोड़ा लेंथी है पार्ट सी, पार्ट बी नॉर्मल है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है? ऐसे मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चंस तो नहीं आते, थोड़ा बहुत चेंज होके आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले साल जैसे थे। आपने जो तैयारी की है वो सेल्फ स्टडी करके की है या फिर कोचिंग वगैरह ली थी? सेल्फ स्टडी के मैंने। हाँ जी। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट जो अभी 12th में है या फिर ग्रेजुएशन फेज में, उन वो अगर नेट JRF की तैयारी करना चाहे CSIR के, तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें जैसे हमारा जो भी होता है कॉलेज में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पर होता है सेम, अगर वहाँ पर हम कंसंट्रेशन के साथ करें, उसके बाद जब हम तैयारी करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ में जो थ्योरम होती है, हम ये याद रखें कि ये किस तरीके से रिजल्ट यूज हो, सिर्फ क्रैम करने से कोई फायदा नहीं है, अगर हम उसके साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट सीखें तो फिर कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। अनीशा, ओके, करंटली आप क्या कर रही है? मैं भी MSc कर रही हूँ। MSc मैथमेटिक्स से? हाँ जी। ओके, मैथमेटिकल साइंस का पेपर हुआ है, कैसा रहा आपका? पेपर ठीक था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, इजी था। सेक्शन ए में कैसा आ रहा है रीजनिंग वगैरह ये सब? सेक्शन ए तो मेरा तो लाइक मोस्टली हो ही गया था, 14 में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने किए आपने? मैंने 14 किए। हाँ जी। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? बी में मैंने 15 किए आई गेस। ओके, बी में कैसा क्वेश्चन आ रहा, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा आ रहा? बी मेरा एक्चुअली ढंग से हो नहीं पाया, उतना टाइम नहीं बचा बी करने के लिए, तो ठीक था मतलब ऐसे पेपर। सेक्शन सी के बारे में बताइए, सेक्शन सी में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं या 70 क्वेश्चन? 70 आई गेस, आई एम नॉट श्योर। 20 क्वेश्चन उसमें करना है, तो आपने किया 20? नहीं मैंने 15 किए हैं। तो सेक्शन सी क्या आपको टफ लगा? सेक्शन सी नहीं, ज़्यादा टफ तो नहीं था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहेगा मेरे हिसाब से तो पेपर पूरा। करंटली आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो? नहीं मैं MSc कर रही हूँ। ओके, तैयारी आपने कैसे किए थे नेट CSIR के लिए? नहीं अभी तो मैंने तो एज सच तैयारी की नहीं है, अभी मेरा MSc का फर्स्ट ईयर ही है, तो मतलब सिर्फ लाइक अटेम्प्ट के लिए स्टडी करके हो जाएगा, क्योंकि लाइक बहुत कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन भी और नोट्स वगैरह सब मिल जाता है, तो खुद से करना चाहो तो कर तो सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन मटेरियल जो है वो कैसे कंज्यूम किया, कैसे यूज? मतलब जनरली तो जो सिलेबस आता है वो MSc का आता है, तो वही प्रॉपरली करते जाओ तो उतने में ही हो जाएगा, फिर भी मतलब कुछ रह जाता है तो प्रीवियस ईयर वगैरह कर लो, और कोई टॉपिक रह जाते हैं तो यूट्यूब से कहीं से भी आपको देख के सिलेबस तो हो ही जाता है। बेस्ट करियर ऑप्शन क्यों है? क्यों है, मुझे तो मतलब लाइक प्रोफेसर वगैरह वाली साइड जाना है, टीचिंग वाली साइड, तो मैं तो उसी के लिए कर रही हूँ, तो बाकी और सबकी अपनी चॉइसेस है, आगे रिसर्च में कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए मतलब सबका अपना है वो तो। हम क्या देखा, कहाँ से आई थी आप? जानली कुर्द फतेहाबाद हरियाणा। करंटली आप क्या कर रही हो? टीचिंग। यस। किस में टीचिंग कर रहा? PGT मैथ्स इन स्कूल। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में? नो, प्राइवेट स्कूल। अच्छा, अभी मैथमेटिकल साइंस का पेपर हुआ है, तो कैसा रहा आपका CSIR? सही रहा। हाँ जी। अच्छा, सेक्शन ए का बताइए, सेक्शन ए में क्या? सेक्शन ए का मुझे इतना नहीं पता। सेक्शन बी का? सेक्शन बी ठीक था, मॉडरेट। सेक्शन ए में रीजनिंग वगैरह का आपने कितने क्वेश्चंस किए? 15 क्वेश्चंस किए। 5 क्वेश्चंस। किस टाइप? अच्छा, बढ़िया।
थर्ड अटैम्प्ट है, इससे पहले आप दो बार दे चुके हैं, तो कैसा लगा, मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कैसा? इतना ही था, ज़्यादा फर्क नहीं है लास्ट ईयर से, थोड़ा लास्ट ईयर वाला ज़्यादा ईजी था अगर कंपेयर करें दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए पार्ट ए में कैसा सवाल आ रहा है? 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने होते हैं उसमें से, है ना? आपने कितने किया? मैंने उसमें 11। अच्छा, और पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 करने होते हैं आउट ऑफ 40 25 करने होता है। आपने कितने किया? मैंने किया 17। और पार्ट सी के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसमें 20 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 60। पार्ट सी मेरा अच्छा गया। थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में बताइए, मतलब ओवरऑल अगर पूरा पेपर रिव्यू करें तो कैसा रहा, मतलब कैसे क्वेश्चंस आए, थोड़ा डीपली बताइए। एवरेज था पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मुश्किल अप्लाइड पार्ट थोड़ा ज़्यादा था। अप्लाइड पार्ट ज़्यादा था और प्योर का भी ठीक ठाक था, एवरेज था पेपर। तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी सेल्फ ही करी है इस बार लास्ट ईयर को।